अस्सलामुअलैकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं एग फ्राइड राइस। मैंने लिया है 4 अंडे, उनको फेंट दिया है थोड़ा सा नमक डालकर, और लिया है 2 हरी मिर्चियाँ कटी हुई, 3 छोटी छोटी हरी प्याज की वाइट प्याज कटी हुई और उसकी ग्रीन प्याज कटी हुई। सबसे पहले मैंने इसमें 1/3 कप तेल ले लिया है, इसको गर्म कर दिया है। अब मैं ये फेंटा हुआ अंडा इसमें डाल रही हूँ। अब हम इस अंडे को हिला देंगे। अंडे में नमक ज़्यादा नहीं डाला मैंने, थोड़ा सा ही डाला क्योंकि चावल भी मैंने बॉईल किया है नमक के साथ। पूरी तरह से अंडे को तोड़ देना है। अंडे को मैंने पीछे टर्न कर दिया, अभी पीछे का हिस्सा भी मैं फ्राई कर रही हूँ, वापस टर्न कर रही हूँ। अभी अंडे फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल रही हूँ। अंडे मैंने फ्राई कर लिए, अभी सेम तेल में मैं अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ 1 चम्मच, ये दूसरा टीस्पून, 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया। थोड़ा सा और तेल डाल रही हूँ, 3 टेबलस्पून, इसको थोड़ा भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। अंडे भी हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई किए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट प्याज और हरी मिर्ची। मैंने इसमें डाल दिया वाइट वाली प्याज और हरी मिर्चियाँ। अब इसको थोड़ा सा सौते करना है मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अंडे। इसको भी मिक्स कर देना है प्याज के साथ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड चावल जो मैंने बनाए हैं, सिर्फ बॉइल कर दिया और पानी इसका ड्रेन कर दिया। इसकी वीडियो भी, बॉइल्ड राइस की भी वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हो। टोटल मैंने बड़े वाले ऐसे 7 चम्मच डाले हैं चावल। अब इसको मिक्स कर देना है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस भी डाल दिया मैंने, 1 टीस्पून और मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। इसको मिक्स कर देना है, हल्के हल्के से मिक्स करना है ताकि चावल ना टूटे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली सॉस भी, हरी मिर्ची नहीं डालो तो 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डाल सकते हो। अब मैं ग्रीन डाल रही हूँ इसमें।
को मिक्स कर देना है। देखिए इसको मिक्स कर दिया फास्ट फ्लेम पे। अब ये तैयार है, गैस ऑफ कर रही हूँ। चिल्ली सॉस आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैंने 1 टीस्पून डाला, आप 2 टीस्पून डालिए। एग फ्राइड राइस रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।